हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अटल बिहारी वाजपेयी सभा गृह में, जो कि रायपुर में स्थित है। बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम, लगभग 1500 कैपेसिटी वाला एसी, एयर कंडीशनर वाला यहाँ पे सभा गृह है। सभा गृह मतलब होता है ऑडिटोरियम। अभी चलते हैं हम आपको लेके विनोद के पास। दिस इज विनोद। आज हम यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी सभा गृह में प्लेसमेंट के लिए आए थे। ये ओपन कैंपस स्टेट कैंपस सिलेक्शन कैंपस ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑनरेबल गेस्ट एंड बहुत सारे पर्सन लोग आए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेसमेंट, जो हमारा जो मोटिव था, जो इतने सारे 3000 बेरोजगार इंजीनियर्स आए थे, उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो वो बहुत ही दुख के साथ में आ गया। बट यहाँ पे उनके फॉर्म को सबमिट कर दिया गया है और उनको उनके परसेंटेज और उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए, सपोज आपने यहाँ पर आकर प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया और आपको इसकी जानकारी नहीं मिली, तो हमें अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ के सभागृह के जो ऑर्गेनाइज किए थे रोजगार कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूथ कॉन्टेक्ट एनजीओ द्वारा और शिव मंडल शिक्षण संस्थान और विजन एजुकेशन भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये सभागृह अगर आना हो कभी और विजिट करना हो तो आइए। ये डॉक्टर अम्बेडकर वाजपेयी सभागृह है, ऑडिटोरियम है एंड यहाँ पे रेलवे स्टेशन से ये 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। तो कभी आएंगे, थैंक्स। सो वी आर इन ऑडिटोरियम, बहुत ही बढ़िया ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा है और यहाँ पे लगभग स्ट्रेंथ लगभग 1500 पर्सन आ सकते हैं इसमें और गुड क्वालिटी अच्छा है। फोल्डेबल सीट है, जैसा कि आप सीट पे बैठना चाहेंगे तो यहाँ पे सीधा बैठेंगे, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो इस टाइप की क्वालिटी वाला है, बहुत ही गुड क्वालिटी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग आए थे, आज कार्यक्रम एंड हो चुका है और स्काउटर मैं आपको दिखाता हूँ।